नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप livecities.in देख रहे हैं। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पप्पू यादव ने बिहार में अपराध का मुद्दा उठाया। अब एक बड़ा धरना भी देने वाले हैं, उपवास पर बैठेंगे कल पप्पू यादव। हमने उनसे फोन पर बात की, क्या कुछ बातचीत हुई है सुनिए। जी पप्पू यादव जी, मैं अक्षय आनंद बोल रहा हूँ लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। लोकसभा में आपने कुछ मुद्दे उठाए, क्या मुद्दे उठाए और क्या कुछ घटनाक्रम रहा लोकसभा का? देखिए, लगातार जो स्थिति है, गुंजन का, अखिलेश देशवाल, लड्डू सिंह, प्रियांशु पटेल, बच्ची के सरकार के बेरेनिया में मार देना और बड़े लोगों को बचाना, उसके बाद आप अभी सुपौल में 3 मर्डर हो गया, लगातार वैशाली में 7 मर्डर हो गया, पटने के ठेकेदार को फिर मार दी, मुजफ्फरपुर में दर्जन से ज्यादा मौत 2 दिनों के अंदर हो गया घटना। आखिर क्या कारण है कि अखिलेश जायसवाल के सेटलमेंट की बात के यहाँ से फिर सतीश पांडे और मुन्ना शुक्ला ट्रीट करते हैं, उसके बाद फिर गुंजन था क्या ये पॉलिटिकल मर्डर नहीं है, क्या इसमें बड़े बड़े लोग इनके बिजनेस में साथ नहीं है, क्या नीपत मोदी की सलाह, फिर गुंजन बड़े ठेकेदारों को बेचारी में मार दिया। लोकसभा में आपने कैसे प्रदर्शन किया इसके खिलाफ? मैंने तो सीधा सवाल ही किया कि आखिर बिहार सुरक्षित है। हमसे खौफनाक सवाल कर रहे थे उनके साथ थे वो समीर की हत्या में जो लोग इन्वॉल्व है, अब भी जान रहे हैं कौन लोग इन्वॉल्व है, क्यों मरवाए, आप उसके परिवार में आप की कर दोगे, आप एमपी का चुनाव लड़ाओगे, मुझे बताओगे ना जनाब कि क्यों एमपी का चुनाव लड़ाने के लिए परेशान हो, क्यों जमीन को लेकर के, किस जमीन के दलाली माफियाओं को लेकर के हो रही है, इस बात को भी तो बताओ। ठीक है, अच्छा इसको लेकर उसके बाद उसके बाद जिसने मरवाया, अब जिसने 47 दिया, जो 47 इतने जो नेताओं के घर में है, आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो, ये पिंटू सिंह कौन है जिसका गिरिराज सिंह जी के साथ फोटो उसको अवार्ड देते हुए, जिसका अन्य मंत्रियों के साथ, जिसका अन्य एक्स एमपी एक्स मिनिस्टर के साथ फोटो है, शहनवाज जी के साथ फोटो है, जिसका बीजेपी के सारे नेताओं के साथ फोटो है, लग रहा है कि वो तमाद के तरह उनको सम्मान दिया जा रहा है भतार की तरह, क्यों भाई? इसको आप हमको बताइए, ये 47 वाले को इतना सम्मान, जिनको शमशान घाट में होना चाहिए, जिनको जीने का राइट नहीं मिले और उनको इतना सम्मान, इसको लेकर के अब आगे क्या प्रदर्शन करने वाले हैं आप? नहीं, कल उपवास है, कल पूरे बिहार में एक दिवसीय उपवास है, अपराध को लेकर के कोई कंप्रोमाइज और समझौता नहीं है, अब कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी बिहार बंद करेंगे जनवरी में बिहार बंद करेंगे। और संसद में आपकी बात को सुना गया? जी संसद में बात को गंभीरता से, होम मिनिस्टर रहते हुए गंभीरता से नहीं। हेलो, हाँ जी बोलिए। हमने यह सवाल, इतनी गंभीर सवाल पर संसद में बात कहाँ होती है? संसद में बहस होता है आरक्षण, मराठा आंदोलन, पट्टेदार, एनआरसी, ये 3 तलाक, जो वोट सत्ता सियासत से जुड़ा हुआ, जो आम आदमी को बचाने के सवाल पर संसद कभी गंभीर कहाँ होती है? तो आम आदमी के जीवन पर आप बैठेंगे जी? कल भूख हड़ताल पर बैठेंगे आप? जी कल पटना से लेकर के सभी जगह एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि बिहार के व्यवसायी, बिहार के आम आदमी सुरक्षित नहीं है। एक दिनों में दर्जनों व्यवसायियों पर की हत्या होती है, एमएलए एमपी मंत्रियों के द्वारा एक्सटॉर्शन लिया जाता है, ये बालू माफिया, जमीन माफिया और पदाधिकारी और नेता का नेक्सस का साम्राज्य है, इसीलिए स्थिति आज पूरे एक जिले में, लगभग आप जिस जिले में उठा के देखिए, चाहे वो नवादा हो चाहे कहीं भी हो, मर्डर ही मर्डर है, कहीं भी है। चले जाइए आप लखीसराय चले जाइए, देख लीजिए 2 दर्जन से ज्यादा मर्डर हो चुकी है लखीसराय में। ये जो स्थिति आज बिहार की है, उसमें आज बिहार के 11 करोड़ लोग चिंतित हैं कि आखिर हम कैसे बचेंगे।
आखिर परिस्थितियाँ क्या होगी। ठीक है, इसलिए जन अधिकार पार्टी और पूरा बिहार, पूरे बिहार के गरीब आज चिंतित है। इसके लिए आज सदन में ये मामला हमने गंभीरता से उठाई कि पिंटू सिंह और बीजेपी और मिनिस्टर और एक्स मिनिस्टर का क्या नेक्सस है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर एक और प्रदर्शन जन अधिकार पार्टी द्वारा, वो पानियों की बौछार हम नहीं भूले हैं जो राजभवन मार्च के दौरान हुई थी, और अब कल अनशन पर बैठ रहे हैं सांसद पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी और उनके कार्यकर्ता उनके साथ। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे पूरे बिहार से। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका शुक्रिया।